अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में रहने वाले एक 23 साल के लड़के ने ब्रिज से सुसाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि उसने अपने 30 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में गवा दिए थे जो उसने लोन लेके अरेंज किए थे। और ऐसे एक नहीं कई हजारों केसेस थे जिसने प्रीवियस कुछ सालों में, क्योंकि पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसकी खुद में तो कोई औकात नहीं बट आपकी औकात बनाने का दम रखता है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसे भिखारी से लेके बिलियन तक बाहर आ जाते हैं। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं पर अपने आप में ही एक नशा है। ये पैसा ही तो है जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को इन बादलों की छूटी इमारतों से लेकर इन हवा से भी तेज चलती गाड़ियों में बिठाया है। तो बस मैं आपको एक शानदार स्टोरी बताने वाला हूँ जिससे मैंने 6 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है। तो चलते हैं पीसी के ऊपर। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। एंड अगर आप भी हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो जो डेली सोर्स ऑफ ट्रेड प्रोवाइड होते हैं, अगर ऐसे ट्रेड आप अगर पाना चाहते हो तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, जहां आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो जहां बिल्कुल सोर्स ऑफ ट्रेड प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं स्ट्रेटजी, चलते हैं। सो गाइस आप यहां देख सकते हो कि मैंने लाइव अकाउंट ओपन कर रखा है एंड अमाउंट मैंने क्लियर कर रखा है $250 से ट्रेड करने वाले हैं। एंड ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, एक ऐसी इंडिकेटर बताने वाला हूँ कुछ जो बहुत ज़्यादा धमाकेदार है जिससे आप सभी को अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ होने वाला है। सो बस वीडियो के एंड तक बने रहना, ओके। सो लेट्स टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट रखना का, इसलिए मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट, इसके बाद आपको इंडिकेटर समझाना है। यहाँ आपको मूविंग एवरेज दिखाई देगी, उसका टाइम पीरियड आपको चेंज करना है सिंपल सा। जो टाइम पीरियड है आपको 50 रखना है एंड मूविंग एवरेज की जो है उसको EMA कर लेना है एंड कोई से भी कलर सेलेक्ट करके आपको अप्लाई कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा चार्ट पे की मूविंग एवरेज। सो सिंपल सा कैसे काम करता है मैं इसको बताने वाला हूँ, डोंट वरी। बिल्कुल का बिल्कुल ऐसा लेवल की तरह काम करेगा एंड अच्छा प्रॉफिट आपको दे के जाएगा, ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने इस पर 1 से 2 साल तक प्रैक्टिस करी है। सो गाइस देखो, ध्यान से देखो, जब भी मार्केट डाउन आया है तो इस मूविंग एवरेज को टच किया है, मार्केट में उससे रिटर्न हुआ है। अगर इस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है तो वहां से मार्केट हमेशा डाउन आया। बहुत सारे करेंसी में देखेंगे, डोंट वरी। देखो मूविंग एवरेज अभी तक ब्रेक नहीं किया, मार्केट डाउन आया, थोड़ा सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज पर एंड मार्केट वापस अपर डायरेक्शन जा चुका है। अब यहाँ देखो मार्केट अपर डायरेक्शन में, प्रीवियस टाइम से देखो मार्केट डाउन आया, वापस अप गया, वापस डाउन आया, थोड़ा साइडवेज हुआ, वापस मार्केट डाउन आया, बट इस मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो गया, मार्केट अपर डायरेक्शन में जा चुका है। सो ऐसी एक्यूरेसी बनती है कि यहाँ से मार्केट को डाउन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने मूविंग एवरेज को आउट ब्रेक नहीं किया, मार्केट एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस लेवल पर आपको दिखाई दे रहा है। सो मैंने एक डाउन डायरेक्शन की ऑर्डर प्लेस कर दी, 3-4 से 5 ट्रेड गाइस आप देख सकते हो। आप सोच रहे हो मैंने इतनी सारी ट्रेड क्यों ली, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, होरिजेंटल लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बता दूंगा कैसे मैंने ये ट्रेड इतनी सारी ट्रेड मैंने अप्लाई करी है। क्यों? तो मैंने एक होरिजेंटल लाइन सेलेक्ट करी, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। ध्यान से देखो मार्केट ने अभी तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है, मार्केट यहाँ से प्रीवियस डाउन आया था, अगेन डाउन आया एंड अगेन डाउन आ रहा है अपनी ट्रेड में। देखो ध्यान से देखो, मार्केट काफी डाउन आ चुका है एंड मूविंग एवरेज को ध्यान से देखो, मूविंग एवरेज अपनी लगी हुई है, मार्केट बिल्कुल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे था, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से रिवर्सल हुआ, इसका मतलब यह मार्केट जो गैप आएगा, ये गैप आपको दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज और अपने कैंडल के बीच में गैप पूरा फील होगा। अगर मार्केट इस ब्रेक को फील करता है तो यहाँ से मार्केट तो रिवर्सल हो सकता है, या इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट डाउन होगा। बट फिलहाल अपनी ट्रेड आपको बिल्कुल विन करते हुए दिखाई दे रही है एंड अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे को दिखाई दे रहा है गाइस, आप ध्यान से देख सकते हो। सो गाइस यहाँ देखो, अपनी सारी की सारी ट्रेड विन हो चुकी है, फर्स्ट ट्रेड में कितना सा प्रॉफिट मिल गया, $1,500 के समथिंग मुझे प्रॉफिट हो चुका है। सो डोंट वरी, बहुत सारी करेंसी में ट्राई करने वाले हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहो, ओके। तो नेक्स्ट करेंसी में आऊंगा गाइस, यहाँ ध्यान से देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट की मूविंग एवरेज देखो अपर डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, मूविंग एवरेज आपको अपर डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। अब यहाँ मार्केट भी क्या है, रेजिस्टेंस लेवल पे, सो ऑफकोर्स यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, डाउन जाने की कोशिश जरूर करेगा। सो मार्केट ने अभी तक एक भी रेड कैंडल यहाँ नहीं बनाई है, ध्यान से देखो मार्केट ने अभी तक एक भी रेड कैंडल नहीं बनाई है, इसलिए मैंने अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेड लगा दी मैं $250 से गाइस, ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है, मूविंग एवरेज को हल्की से डाउन दिखाई दे रही होगी, इसके बाद एक लॉजिक को बताऊंगा, डोंट वरी।
कि मैंने होरिजन लाइन सेलेक्ट करी, यहाँ से मार्केट प्रीवियस डाउन है था, ध्यान से देखो यहाँ से मार्केट कितना डाउन है, कितनी बड़ी बड़ी यहाँ रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट अगेन डाउन आ सकता है, ऐसी मेरी यहाँ एक्यूरेसी होने वाली है। सो देखते हैं मेरी एक्यूरेसी यहाँ सही होती है या नहीं। सो मेरी एक्यूरेसी है कि यहाँ से मार्केट डाउन आएगा, अपनी ट्रेड सारी की सारी विन होके रहेगी, बट अब देखते हैं कि मैं कौन सी ट्रेड विन होने वाली है। मार्केट तो बिल्कुल डाउन आ रहा है, ध्यान से देखो मार्केट डाउन आ रहा है, प्रीवियस जहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ था वहीं से मार्केट अगेन डाउन आने की कोशिश यहाँ कर रहा है, तो कुछ ही सेकंड में अपनी ट्रेड से विन होने वाली है, डोंट वरी। बस मूविंग एवरेज को देखना, मूविंग एवरेज एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह अपने यहाँ काम कर रही है। सो गाइस यहाँ देखो अपनी ट्रेड, अपनी जितनी भी ट्रेड्स थी गई वो सारी की सारी आसान तरीके से यहाँ विन हो चुकी है, $3,272 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। सो सिंपल सा मेरा लॉजिक था, मार्केट डाउन आएगा, थोड़ी 10 सेकंड अपनी एंट्री लेट हो गई थी तो मेरे भी एक्यूरेसी बन चुकी थी कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल डाउन आएगा, एंड अगली जो कैंडल बनी वो रेड बनेगी, मार्केट बिल्कुल डाउन आ रहा है, रेड कैंडल यहाँ बना रहा है, अपनी सारी सारी ट्रेड विन हो चुकी है। चलते हैं किसी नेक्स्ट करेंसी पे। सो गाइस नेक्स्ट करेंसी मैं ओपन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अपन कौन सी साइकोलॉजी, कौन सी लॉजिक से मैं ट्रेड करना, ओके। सो वीडियो के एंड तक बने रहो। सो यहाँ देखो गाइस, यहाँ मैंने एक न्यू करेंसी में ओपन करने की सोच रहा हूँ, बहुत सारी करेंसी है, बहुत सारी करेंसी है, हर करेंसी में आप ट्राई कर सकते हो। सो न्यू करेंसी अपनी USD BRL, यहाँ देखो यहाँ मूविंग एवरेज आपको डाउन डायरेक्शन में दिखाई दे रही होगी, एंड देखो अब के मार्केट ने मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे ग्रीन कैंडल बना रहा, ध्यान से देखो मार्केट सपोर्ट लेवल पे ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश यहाँ कर रहा था, बट देखते कि अपनी जो ट्रेड से लगती हुई है। सो गाइस यहाँ देखो मैंने अपर डायरेक्शन की यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड लगाई, क्यों सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड मैंने यहाँ क्यों लगाई अपर डायरेक्शन की, तो सबसे पहला रीजन की यहाँ मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, क्योंकि देखो मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे अगर बाई चांस यहाँ से मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट का जाएगा डाउन डायरेक्शन जाएगा, एंड अगर यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट बनाकर हैमर बनाता है तो यहाँ से मार्केट हमेशा क्या जाएगा अपर डायरेक्शन की तरफ जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना, ओके। सो ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे ये गैप फील होना चाहिए, एंड बट अपनी जो ट्रेड्स होगी यहाँ वो लॉस होगी, बट देखते हैं कि अपनी ट्रेड्स लॉस होती है या विन होती है, इसलिए मैंने सिर्फ कम अमाउंट यूज किया, सिर्फ $250 की मैंने 2 ट्रेड्स लगाई, एंड फिलहाल तो अपनी ट्रेड्स गए आपको बिल्कुल विन करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक्यूरेसी बोलती है हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक सोचो, हर चीज़ के पीछे तो लॉजिक दे रहा है उसके पीछे सोचो, यहाँ ट्रेड क्यों करी मैंने, क्योंकि देखो यहाँ मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा था इसलिए मैंने अमाउंट कम कर दिया, क्यों क्योंकि मार्केट यहाँ से अपर डायरेक्शन जा रहा था, बट यहाँ से मार्केट अब नहीं जा रहा है, मार्केट डाउन आ गया है, क्योंकि मार्केट को यह क्या गिव फील करेगा, बट देखते अपनी ट्रेड विन होती है नहीं कुछ कह नहीं सकते। सो गाइस यहाँ देखो अपनी ट्रेड एक तो ड्रॉ हो गई एंड एक लॉस हो गई, डोंट वरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक लॉस है एक ड्रॉ है, ओके। सो अब यहाँ मार्केट इस गैप को फिल करेगा, डोंट वरी, ओके, मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए डाउन आएगा, ये देखो धीरे धीरे डाउन आ रहा है, इसका मतलब लॉजिक फिक्स है मेरा, लॉजिक हर चीज के लिए लॉजिक फिक्स है, ये देखो मार्केट ने पूरा गैप फिल कर दिया, अपने थोड़ी गलतियों के एनालिसिस करने में, बट मार्केट ने पूरा गैप फिल कर दिया। सो नेक्स्ट करेंसी ये देखो USD CHF, एंड यहाँ से गाइस मैंने जल्दी से मैंने 5-7-8 ट्रेड लगा दिए डाउन डायरेक्शन की, ऐसा क्या देखा मैंने यहाँ पे जो फटाफट से मैंने ट्रेड लगा दी थी सारी। सो ध्यान से देखो सबसे पहली चीज मार्केट कहाँ है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे, यहाँ से प्रीवियस देखो, प्रीवियस देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्यों क्योंकि देखो प्रीवियस यहाँ से मार्केट का काफ़ी बार डाउन आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 7 बार मार्केट डाउन आया, अगेन मार्केट डाउन आ रहा है। सो गाइस ये ट्रेंड्स भी नहीं, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड अगर आप भी हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन की है, जहाँ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, जहाँ डेली सोर्स ऑफ ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ, तो 90% से 100% के साथ विन होती है। सो गाइस चलते हैं ट्रेड की तरफ, अब यहाँ मैं लॉजिक बताया था मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर था, प्रीवियस जैसे मार्केट डाउन आया था, मूविंग एवरेज देखो, ध्यान से देखो मूविंग एवरेज हल्की सी डाउन दिखाई दे होगी, मूविंग एवरेज अपने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के जरिए काम करती है, इसने अभी तक मूविंग एवरेज को जो ब्रेक यहाँ नहीं किया है। सो देखते मार्केट काफी ज्यादा डाउन हो चुका, कितनी बड़ी यहाँ रेड कैंडल बनी है, प्रीवियस भी देखते जाओ, प्रीवियस देखो मार्केट कहाँ कहाँ से डाउन आया, कहाँ कहाँ से अप गया है, एंड गाइस यहाँ देखो अपनी जो ट्रेड्स थी वो सारी की सारी विन हो चुकी है, $1,870 का मुझे प्रॉफिट हो चुका है। सो एक्यूरेसी पे ध्यान दो, लॉजिक के पीछे चलो गाइस, अच्छा रहेगा, हर चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए, ओके। सो चलते नेक्स्ट करेंसी पे, डोंट वरी, ओके। सो नेक्स्ट करेंसी मैंने ओपन करी है, एंड गाइस यहाँ देखो मूविंग एवरेज के मार्केट कितना ज्यादा सेलिंग पावर में था, कितना डाउन आया यहाँ पे, सो तो आप ध्यान से देख सकते हो, बट अपने यहाँ ट्रेंड करेंगे थोड़ा साइड लग रहा है मुझे, सो नेक्स्ट करेंसी ट्राई करेंगे, डोंट वरी, ओके। यहाँ देखो गाइस यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी मार्केट थोड़ा बहुत डाउन हो चुका था, थोड़ा साइड लग रहा है, ऐसी जगह ट्रेड करेंगे जहाँ बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट होंगे अपन, बिल्कुल एकदम शॉर्ट शॉर्ट,
ठीक है। सो यहाँ मैं न्यू करेंसी ओपन करी AUD JPY की, एंड यहाँ मुझे गाइस थोड़ा देखते पहले एक दो करेंसी को ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद जाके अपन जिसमें अच्छा लगेगा अपन उसमें ट्रेड करेंगे। जल्दबाजी किसी चीज़ के अपन यहाँ नहीं करने वाले, ओके। आराम से ट्रेड करो गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा रिस्क मत लो कि आपको ज़्यादा रिस्क लग रहा है वहाँ ट्रेड मत करो, ओके। सो यहाँ देखो मैंने न्यू करेंसी ओपन करी URCHF, एंड यहाँ पे मैंने अपर डायरेक्शन की ट्रेड्स लगा दिए, दो से तीन ट्रेड्स मैंने अपर डायरेक्शन की लगाए। तो सबसे पहला लॉजिक क्या है यहाँ, सबसे पहली चीज तो यहाँ कैंडल कौन से बन रही है, हैमर साइक्लो कैंडलस्टिक के बारे में जानते होंगे कि यहाँ पे जो कैंडल बन रही है वो कौन सी है, हैमर बन रही है। अगर यहाँ मार्केट सपोर्ट पे हैमर बनती है तो इसका मतलब मार्केट हमेशा अपर डायरेक्शन में जाता है। बट गाइस यहाँ देखो अपनी जो ट्रेड से सारी की सारी लॉस करती हुई दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या सोचा था कि यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे ऐसे हैमर बनाएगा तो ऐसे मार्केट अपर डायरेक्शन जाएगा, बट इसने क्या किया कि सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो अपने सारी की सारी ट्रेड्स क्या होगी, लॉस करती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ से मार्केट क्या होगा, डाउन हो गया है, एंड अपनी ट्रेड सारी की सारी लॉस करती हुई दिखाई दे रही है। बट यहाँ मैं वेट करूंगा कि एंड मोमेंट पे यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगर मेरी एनालिसिस सही होगी तो ऐसे मार्केट अप जाएगा, बट ऐसा लगता है कि अब ऐसा मार्केट अप नहीं जाने वाला, बहुत दूसरी करेंसी में ट्रेड देख लेते हैं, ओके। सो यहाँ देखो मैं फटाफट ऐसे मैंने डाउन डायरेक्शन में ऑर्डर प्रेस लगा दिया है। अब क्यों मैंने इतनी सारी ट्रेड्स लगाई, ध्यान से देखो इतनी सारी ट्रेड्स मैंने क्यों लगाई, क्यों? क्योंकि मैं सारा का सारा अकाउंट खाली करते कही जाएगा सिर्फ $1800 जो शुरुआत में थे वो कि वही आ गए, सारा प्रॉफिट का पैसा मैंने यहाँ लगा दिया। ऐसा क्या देखा मैंने यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ गई, यहाँ ध्यान से देखो मार्केट ने एक बिल्कुल डाउन सेलिंग आई, ध्यान से देखो मार्केट बिल्कुल डाउन सेलिंग आई है, मार्केट यहाँ से प्रीवियस अप गया था, थोड़ा साइडवेज हुआ, इसने इसको ब्रेक किया डाउन की तरफ, तो मार्केट बिल्कुल डाउन आ चुका है। अब ऐसा लगता है कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा, जितनी भी ग्रीन कैंडल बन रही है ना उन ग्रीन कैंडल का ब्रेक को यहाँ फिल करने वाला है यहाँ पे। सो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, डाउन आने की पूरी कोशिश करेगा, देखते हैं मेरी एनालिसिस सही होती है या नहीं। अगर यहाँ मेरी एनालिसिस सही नहीं हुई तो गाइस आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट अपन यहाँ लगा दिया है। सो मेरी एक्यूरेसी सही होते कि नहीं देखते गाइस, एंड यहाँ देखो मार्केट ने रेड कैंडल बना दी गाइस, बट अपनी थोड़ी 5-6 सेकेंड एंट्री लेट थी, सो देखते हैं अपना क्या रिजल्ट निकलने वाला है। सो गाइस यहाँ देखो मार्केट ने कुछ ही कैंडल के $1700 का तो मुझे प्रॉफिट डनरेट करके दिखा दिया, अगेन $1600 का प्रॉफिट, एंड लाइव अकाउंट में देखो गाइस $6102, यानी लगभग देखा जाए तो यहाँ मुझे $1000 से $1500 का प्रॉफिट हुआ है आसान तरीके से। सो डोंट वरी, नेक्स्ट करेंसी में अपन ट्राई करने वाले हैं, लास्ट डेट होगी अपनी गाइस, ध्यान रखना, ओके। सो अच्छी खासी करेंसी में चलते हैं जहाँ बिल्कुल शॉर्ट होंगे एंड जहाँ ट्रेड आसानी से विन हो जाए, ओके। सो AUD JPY का मैंने यहाँ चार्ट ओपन किया है, और यहाँ से ज़्यादा अच्छा शॉर्ट पैटर्न तो मुझे कहीं दिख भी नहीं सकता है गाइस, ध्यान से देखो कितना अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है मुझे, W पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने अमाउंट में थोड़ा इंक्रीज कर दिया, W पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो W। अब यहाँ W पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब 100% ऐसे मार्केट क्या आएगा, डाउन आएगा, ऐसी मेरी एक्यूरेसी है, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो W पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, अब मार्केट ने क्या W पैटर्न तो पूरा बनाया था, अब मार्केट ने ऐसे क्या डाउन जाने की पूरी कोशिश करता है। सो गाइस ये ट्रेड विन होती है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड अगर आप भी हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, जहां आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, जहां बिल्कुल हर चीज के पीछे लॉजिक वाले ट्रेड दिए जाते हैं, एक्यूरेसी बिल्कुल कमाल की होती है। सो आप टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, ओके। चलते हैं ट्रेड की तरफ। सो गाइस देखो मेरी एक्यूरेसी बिल्कुल कमाल की निकली, मार्केट डाउन आ गया है, मैंने क्या कहता W पैटर्न बनाया यहां पे, ध्यान से देखो W पैटर्न मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे था, 100% डाउन आएगा, मार्केट भी 100% डाउन आ गया है। सो गाइस टेलीग्राम जिसको भी ऐड होना चाहिए, टेलीग्राम पे ऐड होता है वहां होता है धमाकेदार सीजन, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, जहां आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, जहां डेली शॉर्ट ट्रेड प्रोवाइड करता है बिल्कुल हर लॉजिक पे। सो गाइस यहां देखो अपनी सारी की सारी ट्रेड विन हो गई है, ध्यान से देखो सारी की सारी ट्रेड विन हो चुकी है, एंड मुझे प्रॉफिट देखा कि मुझे लाइव अकाउंट में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो गाइस $9147 $1800 से स्टार्ट किया था, लगभग मुझे 6 लाख के समथिंग का प्रॉफिट, 5 से 6 लाख का प्रॉफिट आसान तरीके से हो चुका है, सिर्फ एक मूविंग एवरेज से, एक ऐसा लेवल से। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ठोक के करना। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।